इस लड़की के जादुई कारनामे को देख करके खुद सलमान खान भी नतमस्तक होने वाले हैं। आइए दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ एक और नई पेशकश कलाकार नूरजहां के द्वारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में अब नूरजहां ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। महज 15 साल की उम्र में एक अलग ही इसने अपना नाम कमाया। अपनी कला के दम पे पूरे हिंदुस्तान के दिलों पे इसने राज किया। देखने वाली बात यही होगी कि आज ये क्या नया करने वाली है। हमारे जो नूरजहां के पिछले दो वीडियो थे उनको देखने के बाद जनता ने कहा कि इस बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से सहारा मिलना चाहिए। लेकिन मैं अभी के लिए आपको बताना चाहता हूँ, जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देख सकते हो। शुरू से लास्ट तक जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो फेसबुक इसको फैलाएगा। जब कोई चीज़ फैलती है तो वो फैलते फैलते उस इंसान तक पहुँचेगी जो वास्तव में इसकी आर्थिक सहायता कर सकता है, क्योंकि शायद वीडियो देखने वाला व्यक्ति अभी इतना खुद सक्षम नहीं है जो इसको आर्थिक रूप से समर्थन कर सके। लेकिन हमारे देश में कुछ बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, जैसे सलमान खान। अगर ये फैलते फैलते सलमान खान तक पहुंच जाए तो इसको और कोई नहीं तो सलमान खान, मैं समझता हूँ, ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो खुद भी एक कलाकार हैं और इतने बड़े आदमी हैं जो इसका वो हेल्प कर सके। इस बच्ची की ज़रूरत क्या है? अभी इसका टूटा फूटा छोटा सा मकान है जहाँ पर लाइट भी अच्छे से नहीं आती है, जहाँ पर इसके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है। देखिए, पेंटिंग भी ये पेन से बना रही है, पेंटिंग भी पेन से बना रही है, क्योंकि रंग खरीदने के इसके पास इतने पैसे नहीं है। उस रूप से इसके जो पेरेंट्स हैं वो भी सक्षम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा समस्या है। और उन समस्याओं के बावजूद ये इस स्तर का काम कर पा रही है, तो सोच के देखिए, इसको अगर समर्थन मिला सलमान खान के द्वारा या किसी के भी द्वारा, इसको वो समर्थन मिला तो इसका जो पोटेंशियल है, इसकी जो काबिलियत है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो पूरे इंडिया का नाम रोशन कर सकती है। तो आपको करना क्या है, पूरा वीडियो देखो, बीच में अगर ऐड आता है तो उसको भी देखो, और इसको शेयर मारो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारो। यही सबसे बड़ा सपोर्ट है जो आप कर सकते हो एज ए व्यूअर। शेयर मारना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारे बगैर इसको छोड़ना नहीं है वीडियो को। साथी के साथ सलमान खान को भी ज़रूर टैग करना है, आपको सलमान खान को भी हैश लगा के कमेंट में ज़रूर टैग करना है, ताकि वहाँ तक ये वीडियो जल्दी पहुँच सके। नूरजहां के द्वारा अगर और भी इस तरह की कलाकारियां आप देखना चाहते हैं तो इनके YouTube चैनल नूरजहां आर्टिस्ट को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि अश्लीलता की बजाय देश एकजुट होकर के नूरजहां जैसी टैलेंटेड बच्चियों को बढ़ावा देता है और उन्हें वो आर्थिक समर्थन और मान सम्मान दिलवा पाने में कामयाब हो पाता है, तो यकीन मानिए देश का युवा तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। आधुनिकता के नाम पर जो लड़कियों का अभी झुकाव अश्लीलता और शॉर्टकट के सहारे सफलता पाने की तरफ बढ़ रहा है, नूरजहां को देख करके वो काबिलियत और मेहनत के दम पे सफलता पाने के रास्ते पर निकल लेंगी। मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 का जो आधुनिक युवा है वो इतिहास का सबसे ज़्यादा सक्षम, बलवान और बुद्धिमान युवा है, लेकिन इसी के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा भटक भी रहा है। यदि इसकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित किया जाए तो नूरजहां जैसे चमत्कारी बच्चे पैदा होते हैं। इसके विपरीत यदि वर्तमान की भांति हम इसी तरह से अश्लीलता को ज़्यादा बढ़ावा देते रहे तो यही ऊर्जा जो है वो गटर में बहती चली जाएगी और देश तरक्की की बजाय नपुंसकता की तरफ बढ़ता चला जाएगा। फैसला आपके हाथ में है, वीडियो को शेयर करके देश को तरक्की की राह पर ले जाना है या फिर वीडियो को शेयर ना करके अश्लीलता को बढ़ावा देके देश को नपुंसकता की तरफ लेके जाना है।